देवी प्रपर्णा तिहरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मात जगत खिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाही विश्व तुमी सोरी देवी चरा चरस्य। महादेवीकर पाद तले अनंत कोटि प्रणाम करी गुरुदेवंकर कृपा भिक्षा करी आपण मानकु सादर प्रणाम पूर्वक प्रार्थनार पावन परिसर को स्वागत करुछि। गत अध्याय आपण सुनिले जे जेऊ नारी माने एभली आचरण करती घरर गुमर पर आगे कहती घरे होमयज्ञ हेले चिड़ीचिड़ा हूँ घर बाहरी पलांती से माने ही अलक्ष्मी प्रतिरूप। अलक्ष्मी अशस्त वृक्ष बास करती किंतु महालक्ष्मी पूर्ण रूप से भिन्न पवित्र उत्तमयी पवित्रमयी लक्ष्मी लक्ष्मी ठाकुराणी आज दिन बाहर ले पा देखापी चिंता कले जो मो पा पढ़ी दौची खाद्य दौची मो पा ठीक रे खाई बंची तो ये चिंता मार हेनी आउ किए कर छड़ा ए सुंदर चिंताधारा बा छुआ मानक भलमंद चिंताधारा आउ कौन कि अधिका करी पारे कि दर्शक बंधु सी हूँ माँ जी गरीबर भात हांडी समस्त भात को छुआ को खाइबा को दे निजे तोराणी पी कि शुए सी हूँ माँ संतान जो गर्भ थाए मु अमके जिनस खाइले मो छुआटापी खराब हो बोली अनेक खाद्य माँ बंद कर दिए सब माँ मान टे विचार कर आ समस्ते आपण मैंने विचार करूँ नारीर त्याग आम समाज पाई के संसार एमती गोटे जिनस जहाँ को कई खोजती किंतु से जिनस नहले संसार हेनी ताकि नारी जी आम पुराण रू पढ़ीचे कौन सी माँ जदि ऋषि को प्रणाम करे ताको आशीर्वाद दिंतु ऋषि ब्राह्मण पुत्रवती भव कि आप्तवाक्य एमती अच्छी आम शास्त्र कन्यावती भव ना किए उपास रही कन्याटीए हो बोली ना कि कन्याटीए नहले आपणकर परिवार आगे बनी आम समाज बढ़ीबनी सी हूँ माँ जी केवल दे जाने आई जाने सी हूँ माँ निजे समस्त प्रकार दुख सही संतान को सब प्रकार आनंद निए निज रक्त को क्षीर रूपे निगाड़ी खाइबा को दिए सी हूँ माँ मार विकल्प सारा संसार जाओ किछि नाही गर्भर जिते बड़े छुआ थाए माँ को गोईठा मारे माँ को खुशी लगे मो छुआ बुलुची मो छुआ गोईठा मारुची भावतु तो भाई माने सब पुओ माने टिके चिंता करंतु से पुओ जिते बड़े बड़ हो जाए माँ ज्ञानशीन शून्य हो जाए माँ वृद्धा हो जाए आ पुओर तो गोईठा मार अभ्यास माँ पेटरु अच्छी ना माँ पेटर गोईठा मारी ना से पु वृद्धा वयस को गोईठा मारे कि फरक ये गर्भावस्था शिशु थिबा समय रे माँ को गोईठा मारे आनंद लगुला आ वृद्धावस्था माँ रो हाड़मांस दुर्बल हो जाए मन अवश हो जाए सीता गर्भ को निंदा करे जेमती आ छुआ मु जन्म कली जी वृद्धावस्था मध्य मत गोईठा मारुची आप देखुना टीवी देखुचंती पेपर रे पढ़ुचंती कि भली भावरे संतान माँ को गोईठा मारुची माँ छड़ा पिलां को था कही चिंता करेनी ठाकुरानी चिंता कले मो छुआ केमती अच्छंती जो दुनिया को मु पढ़ी जाती बोलाऊची पढ़ी देकरी मो काम ठीक अच्छी तो माँ नगर भ्रमण करिया बुलिले चारियाड़े बुलिले आपण मैंने समस्ते जानी सब माँ मैंने जानी जो दिन आप महालक्ष्मी व्रत करती गोमय घर लिपती तेणु तो माँ चिंता कले कले जी घर परिष्कार कर गोबर घर टा लिपि थी तारी घर को ही जीवी ठाकुराणी नगर बुलायापी बाहर जब देखिले साधवाणी ठिया है सका उठिकी पचारे आलो साधवाणी तू कौन लक्ष्मी व्रत करूना कि झोटी चिता करना कि आप मंदिर को जाऊँ जदि मंदिर परिष्कार न रखिए
ताहले भगवान मध्य सेठी रहिबे नाही। आम घर आम शरीर गोटे मंदिर आपण आपण शरीर को केते परिष्कार रखुचंती, आपण जेते बेले आपण शरीर को परिष्कार न रखिबे विभिन्न प्रकार रोग जीवाणु सृष्टि हेबो, आपण देह खराब हेबो, तापर आपण पिंड भितर थिबा प्राणटा छाडीजिबो बा आपण मरिबे। तेणु सेमती मंदिर परिष्कार नकले देवता माने मध्ये से जगार रहिबे नाही। तेणु देवता माने परिष्कार परिच्छन्न को भल पाती अर्थात स्वच्छता को भल पाती। स्वच्छता कौन? स्वच्छता आम क्या कहवा आम भल ब्रांड ड्रेस किणुचे, ड्रेस को सफा करुचे, आईरन करुचे, किंतु आमर मनर स्वच्छता को आम देखुना। लक्ष्मी स्वच्छता को भल पाती माने तुम देहर पवित्र को भल पाइवा सहित तुम मनर पवित्रता को मध्य भल पाती। मन जहार शुद्ध नुहे से केवे शुद्ध हो पारना। यही मन सीना सुखर कारण, यही मन दुख दिए, यही मन दुख दिए, मन प्रसन्न रे कर्म हुए सुस्थ, सरग संपद पाए, सरग संपद पाए। मन जदि आमर भल ना आम ये बसी आम नरकर दुख भोग करवा। जदि आमर मन भल अच्छी शाग पखाड़े आम राजकीय आडंबर को उपलब्धि करवा। मन वृंदावन यही मन काशी, यही मन गया गंगा पूरी वाराणसी, यही मन गया गंगा पूरी वाराणसी। साधवाणी को बुझाऊंती जे लक्ष्मी ठाकुरानी को नामरे दशगंठी दब दश नामरे प्रत्येक माँ मैंने मोर जानती ये कथा नुआ कथा किछि नाही, किंतु ए पुराणर पुराणा कथा भितरे एमिति गोटिए गोटिए अदेखा खियो लुचि रहिछि जहाकु आमे आलोचना करूना हूँ। आउ जो खियो को बाहर कले मोर सबु माँ मैंने गोटिए गोटिए महालक्ष्मी हो जिवे। तुमको आउ मंदिर जीवापाई पड़िब नाही, तुम स्वामी तुम्हें नारायण, तुम शाशुशुर तुम्हें भगवान, घर को मंदिर करदेवानी तुम मैंने कौन करना। तुम्हें पूरा ओडिया घर बोहू कौन न करें आमरी पूर्व पुरुष सीता आम आदर्श जे यही भारतीय नारी, सावित्री यही भारतीय नारी, अनसुया यही भारतीय नारी, सी जो ये महान कम करें कहीं पारानी। आउ माँ माने जे केवल लक्ष्मी हेबे, बापा भाई माने जे नारायण हेबेनी, एटा आज्ञा भूल हो जीव। आपण माने सबू बापा भाई माने लक्ष्य करंतु, जदि आपण माने आपण मानकर स्त्री को लक्ष्मी भली देखिबा पई चाहंती ताले आपण मानकु मध्य नारायण होबा पई पड़िबो, आदर्शमय पुरुष होबा पई पड़िबो। आउ आपण दिन सारा रोजगार करिवे, अधा पैसा मदवाटी रे मद पी देकि आसिबे। स्त्री आपण को पूजा करिव ना ओ पूजा करिव छांचुणी पूजाटा से करिव आउ पाद पूजा से पारना। तेणु आपण नारायण हेले आपण लक्ष्मी की देखिबे, आपण महिषासुर हेले आपण को स्त्री भितर आपण दुर्गा को देखिबे, बाकी आपण लक्ष्मी की चाहंती कि दुर्गा को चाहंती से परिस्थिति आपणकर से इच्छा मध्य आपणकर। लक्ष्मी ठाकुरानी बुझेई गले साधवाणी की दे झोटी चिता अंकन करिव, नुआ अरुआ चाउल अरुआ चाउल बाटी झोटी चिता दबो। झोटी चिता होची मोर अत्यंत प्रिय। लक्ष्मी पाद झोटी चिता देव द्वार मुहरे, प्रिय पद्म फूल आंकु थिब जतनरे, सही दृश्य देखी माता प्रसन्न होइबे, अभय धन विभव जाची दे जीवे। ठाकुरानी धन देवे विभव देवे झोटी चिता ये सब अंकन कले, परिष्कार रखिले घर को परिष्कार रखिले, मन को परिष्कार रखिले, आउ निज को मध्य पवित्र कले। छोट छुआ को माड़ मारिबे नाही, काहेकि शिशु शिशु मानकर अवस्था केते ना छोटरू चारि वर्ष पर्यंत, चारि वर्ष बयस पर्यंत
ସେମାନେ ହେଲେ ଶିଶୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାରାୟଣ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟ ଚାପଲ୍ୟତା ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ, ତାଙ୍କୁ କେବେ ଆଘାତ ଦେବନି। ଛୋଟ ଛୁଆ କାନ୍ଦିଲେ ଠାକୁରାଣୀ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଉଗ୍ର ରୂପରେ ମାଆ ଭଗବତୀ ବିଶ୍ୱକଲ୍ୟାଣୀ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ଶକ୍ତି କାହାର ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କଲେ ଶିବ, ଶିବ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଗଲେ, ଛୋଟ ଶିଶୁ ହେଇଗଲେ, ଡାକିଲେ ମା ମା, ଅଟକିଗଲେ ଠାକୁରାଣୀ। ଏଇ ମା ଡାକରେ ଏତେ ମମତା, ଏତେ ଆକର୍ଷଣ, ବିଶ୍ୱକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଉଗ୍ର ତାରା, ଯିଏ ଭୟଙ୍କର ଉଗ୍ର ହେଇକିରି ସେ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲେ, ସରଳ ହେଇଗଲେ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିଗଲା। ଶିବଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରେଇଦେଲେ। ସେଇ ହେଉଛି ମା, ଯାହାର ତିନିଟା ରୂପ, ଯିଏ ଜନନୀ ହୁଏ, ଯିଏ ଭଗିନୀ ହୁଏ, ସିଏ ଜାୟା ହୁଏ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର କାନ୍ଦ ସହିପାରନ୍ତିନି ଲୋ ମା ମାନେ। ରାତ୍ରରେ ଦଧିବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ଠାକୁରାଣୀ ସହିପାରେ ନାହିଁ। ଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ସହିପାରେ ନାହିଁ, ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଇଏ, ଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଆଉ କ'ଣ ନା, ଲାଉରେ ଆମିଷ ଦେଇ ଯେଉଁମାନେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଠାକୁରାଣୀ ଆକୁ ସହିପାରେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ବ୍ରତର ବିଧାନ ମା ନିଜେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ମୋର ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ମୋର ବ୍ରତ କରିନାହାନ୍ତି। ନଗ୍ର ବାହାରେ ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀରେ ଘର, କେହି ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କେହି ତାକୁ ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବ କରାଯାଇଛି, ସମାଜରୁ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଜାତି ଭେଦର ବିଚାରକୁ ଉଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବିପ୍ଳବ କରାଯାଇଛି, ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବ। ଜାତି କିଏ? ଆମର ତ ଦୁଇଟା ଜାତି, ନାରୀ ପୁରୁଷ, ଆମର ଦୁଇଟା ଜାତି, ଆସ୍ତିକ ନାସ୍ତିକ। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, କହିଲେ ଜାତିର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? କିବା ବି ପ୍ର କିବା ନ୍ୟାସି ଶୂଦ୍ର କେ ନାନ ଜେଇ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବେତା ସେଇ ଗୁରୁ ହଏ। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜଣେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ସଦାଚାର ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ରୂପଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହା ମୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ କିଏ? ମୁଁ କ'ଣ କୌଣସି ଋଷି, ନା କୌଣସି ପଣ୍ଡିତ, ନା ମୋର କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଆମମାନଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା କେବଳ କହିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଭଲ କଥାଟିଏ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ କିଏ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେମିତି କୌଣସି ବିଦ୍ୱାନ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପଣ୍ଡିତିଆଣୀ ନୁହେଁ, ଯାହା ପଢ଼ିଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାହା ହିଁ କହୁଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୟା ଅଛି, କ୍ଷମା ଅଛି, ଅକ୍ରୋଧ ଅଛି, ବୈରାଗ୍ୟ ଅଛି, ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମୀ, ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଚଣ୍ଡାଳ ପରିବାରରେ ଜଣେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତି କରେ, ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁଲ୍ୟ ସମ୍ମାନନୀୟ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁଲ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗକୁ ଯିବା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା, ଜାତିର ଇତିହାସ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା, ଗୋଟେ ସମାଜର ମୁଖିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଉଥିଲା। ସେ କେଉଁ ଜାତିଭେଦ ତ ନଥିଲା, ଆଉ ସେ ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମୁଖିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଜ ବା ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳର ଅଧିବାସୀମାନେ ପଶୁପାଳନ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ, ଜଣେ ପଶୁପାଳକ ମଧ୍ୟ ରାଜା ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଶିବ ପୂଜା କରାଗଲା, ଆଉ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପଶୁପତି ନାମରେ ହିଁ ପୂଜା କରାଗଲା। ପ୍ରାକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଏ ଜାତିଭେଦ କିଛି ନଥିଲା। ତାପରେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ରାଜାମାନେ ବାଛିଲେ, କ'ଣ ନା, ସେମାନେ ନୀତି ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ଯେଉଁ ମୁଖିଆ, ଯେଉଁ ରାଜା ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ରାଟ କୁହାଯାଉଥିଲା,
बा राजन बोली कहुला प्रथम राजन बोली कहगला तापर सम्राट शब्द आसला राजन बोली कहुला तो पंडित मान परामर्श देवाई से दरबार में रखुले कालक्रमे से पंडित मानक वंशधर हो गले ब्राह्मण आउ जो माने राज्य शासन करूथिले से माने हो गले क्षत्रिय आउ तापरे तांकु सेवारे सहयोग करिया पई जो माने सब सैन्य सामंत हेले तांकु खंडायत वैश्य शूद्र ए सब जाति धीरे 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 सृष्टि हेला नले प्राक वैदिक जुगरे जाति नथिला आमे गोटिए जाति मनीष जाति लक्ष्मी ठाकुरानी मध्य इछुआ अछुआ भाव को भल पाती ना श्रिया चंडाणी ब्राह्म मुहूर्त उठी गोमयरे ता घर पर सबकि लिपापोछा करी घर द्वार ठाकुराणी पादपद्म अंकन करी अति निउछाड़ी भाव ठाकुराणी को डाकुची माँ दरिद्र परिवार मोर गरीब कुड़िया मोर ओलिए खाइले मु ओलिए उपास रहे तू पड़ीरात्रि सारा जगत को पड़ी बांटुचु मोर विश्वास अच्छी मो भीतर को जो क्षुधा आसुची से क्षुधा को तू दूर करी पारिबु कारण क्षुधा मध्य जने देवी ब्रह्मपुराण रे प्रमाण करा जाइछि जे क्षुधा मध्य गोटे देवी जो क्षुधा देवी को महर्षि कर्ण तपस्या करिथिले जे क्षुधा देवी आपण प्रसन्न हुंतु मो पाखरु क्षुधा चली जाउ बोली तपस्या करिथिले गंगा कूलरे ऋषि कर्ण क्षुधा देवी को तेणु क्षुधा देवी जहाँ उपरे प्रसन्न हुंती ताकू सबकिछ अजाड़ी दियंती आउ जहाँ उपरे अप्रसन्न हुंती ता जीवन आज्ञा दुखमय कर दियंती तेणु ये श्रिया चंडाणी क्षुधारे आतुर ताकू भोक होउची ओलिए खाइले ओलिए उपास लक्ष्मी को निकटरे से दुख जनाउची जे लक्ष्मी तमे मते दया कर तमरी दयारु मो परिवार धनधान्य रे परिपूर्ण हो जाऊ ठाकुराणी बाहर बुलुचंती देखुचंती किए कौन करुचंती नगर परिक्रमा कला बेले श्रिया चंडाणी भक्ति तार जो आकुल निवेदन तार प्रार्थना आपको आज सही पारिना घर भितर को चली जाइचंती माण खटुली उपरे ठाकुराणी विद्यमान करिचंती धान आमे माण खटुली रे धान को पूजा करू धान केन्दा को पूजा करूँ धान खोला को चप्पल पिंधिक जाती ना जो दिन प्रथम धान खोला को धान आसती ठाकुराणी आसती लिपापोछा हुए धान खोलार कौन कराए झोटी चिता दिया जाए पूजा करा जाए फुलरे सजे दिया जाए संध्या समय रे संजवती दिया जाए धान खोला रे आमे जानिचु ओडिया घर प्रायत तो ओडिया परिवार चाष उपर निर्भर करती धान खोला सका सन्धे धूप दिंती चप्पल माड़ी धान खोला को जाऊना एवं कौन हो आज्ञा मेसीन धान काटुं मेसीन चाष कर पूर्व समय जो धान अमल होता एवं हो कहीं कहले आगर आपण मैने बलद नहीं बिल को बलद किए ना बलद हूँ ब्रह्मचारी जड़े ब्रह्मचारी पुह को माँ भल पाए बलद जितेबाला हल कै माँ पृथ्वी चिंता करती आरे मो पुओ दीटा आसती हल करने बलद जदि मु भल फसल नदेवी ताल मालिक बलद को आशन से जो मैंने बलद व हल लंगल चाष करती जदि चाष न हो भल फसल न हो से बलद कहीं रखे हल कहीं रखे तेणु माँ धरित्री चिंता कै जदि मु अधिक फसल नदेवी ताल मालिक आो पु मान भल खाइबाक देवनी जो ब्रह्मचारी संतान मानक धरित्री माँ भल पाए अधिक फसल दिए वर्तमान आम ट्राक्टर नौचे मेसीन धान काटुचे धान जदि आम लक्ष्मी आम पूजा करूचे केान मटी पड़ू केान आम गोड़े चकड़ा हो चिंता कले लक्ष्मी असंतुष्ट होबेनी जदि बा आपणकर आस्था थाए विश्वास थाए धान आपणकर लक्ष्मी ता लक्ष्मी असंतुष्ट होबेनी धान खोलार धान को केते आघात आम दौचे बेंगला पड़े बलद आसिक बेंगला पकांती से माने बंचे गोटे जीव आम बलद रखुचे ना आम बलद रखुने गोमाता को रखुने षंड को रखुने छाड़ी दौचे अवस्था संकटमय हो जाऊँगी किए गाड़ी धक्का किए क्या चोरी करी जाऊँगी
एमिति हेले लक्ष्मी ठाकुरानी असंतुष्ट हुवंती। आउ जो बापा माने बा जो परिवार लोक माने तांको गाई बळद हजी गला परे मध्य खोजिबा को जानती नाही, ठाकुरानी मध्य तांको भल पांती नाही, तांको परिवार रे आश्रय नियंती नाही। तनु गोमाता बळद आम पई गृहपालित पशु नुह, से आमर अन्नदाता, कारण आम पूर्व पुरुष रु से आमको अन्न देकर आसचंती। माता गाभी भूमि यतिनी जननी रखंती मानव प्राण, आम मानक प्राण किए रखे, आमर जन्मदात्री माँ। द्वितीय रे गोमाता जी आमको क्षीर दिए, आम माँ आमको जीवन सारा क्षीर दौनी, छोट शिशु पर्यंत आम माँ ठारू क्षीर खाइचे, तापरे माँ आउ क्षीर दौची। किंतु गोमाता बुढ़ी होकर मरवा पर्यंत सी आमको क्षीर दौची, ताल आम माँ प्रेम अपेक्षा गोमातार प्रेम आम पाई अधिका नुहे। कथा तो अनेक किसी अच्छी, किंतु कथा को अनुभव करवा हूँ बड़ कथा। टिके अनुभव करंतु, आज भी समय अच्छी, बदल दियंतु निजर चिंताधारा, आम सभ्यता को संस्कृति को आपणे नियंतु। आम ओडिशा बा आम समस्ते आम भारत निश्चित भाव एक अमृतमय संतान माने ये भारत वर्ष लीला करिवे। ये भारत आ भारत हो जीवनी, ये भारत रामराज्य हो जीव, अर्थात भगवान जेमती चारियाड़े व्यापुथिले सत्य शांति दया क्षमार प्रचार प्रसार करी आम भारतर अवस्था मध्य से हो आज्ञा। किंतु आम मानकर छोटिया छोटिया उद्यम आम देश को बदल आम विश्व को मध्य बदल पार। जो भाईचारा थिला शुणंतु सर्वे अमृतस्य पुत्रा, आम समस्ते अमृतर संतान, आम चाहिले आम समस्ते अमृतर संतान हो पारा। यही अनुरोध सहित आज अध्याय को मुझे रखुची। जय महालक्ष्मी। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।